तो दोस्तों आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वरना मत करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कुछ भी तुम्हें पूछना हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें शेयर कर देंगे। स्टील के बारे में लगाने कैसे है, उसमें साइज़ कैसे लिया जाता है, उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए। और दोस्तों सबसे मेन बात, हमारा जो कई भाइयों ने अक्सर मुझसे पूछा है कि भाई इसमें जैसे रेलिंग लगाते हैं तो उसकी नपाई कैसे होती है। तो दोस्तों जहाँ तक तुम्हारा ये 2 इंच का टॉप जाएगा ना, जहाँ तक शुरुआत होगा ये, जहाँ तक ये जाएगा वहीं तक तुम्हारी नपाई होगी। और जैसे तुम्हारे ये पोल हो गए, ये तुम्हारे रेलिंग में नप जाते हैं। कोई रेलिंग भी नाप लेता है, कोई अलग से दे देता है, सबका अलग अलग तरीका है। बाकी बेच का कोई मैटर नहीं बैठता। अब देखो जो ये 2 इंच का हमारा पाइप है ना, वहाँ से आ रहा है और ये जहाँ तक जाएगा वहीं तक इसकी नपाई हो जाएगी। देखो जहाँ तक ये जा रहा है ना, वहीं तक इसकी नपाई हो जाएगी। उसके बाद जो उसका रेट होगा उसके हिसाब से पे कर दिया जाता है। बाकी पोल में कोई पोल इसमें नपाई में ले लेता है, कोई अलग से लगा लेता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट लगभग शुरुआत से सिंपल लेने की जो पड़ती है वो लगभग ऐसी पड़ती है, 300 भी है, 280 भी, कोई कोई 280 लगा रहा है, 270 भी लगा रहा है, 350 भी है। बस मेटल के हिसाब से, जितना हैवी मेटल होगा उतने हिसाब से उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर 3 पाइप में लगवाते हो तो 300 भी है, 325, 350। अगर तुम डिजाइन में लोगे तो 400 है, और तुम अगर आधा भाई एक की पट्टी में 4 पट्टी लेते हो तो 450 भी है, 300 भी है, 350 भी। सबका अलग अलग रेट है दोस्तों, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि कहते हैं कि भाई उसमें ये रेट है, इसका ये रेट है। ग्लास की रेलिंग लगाते हो तो उसके बाद तुम्हें पड़ता है 600, 700 भी, 800 भी, 900 भी, 1000 भी है, सबका अलग अलग है। तो दोस्तों अगली वीडियो में तुम्हें और भी अच्छी जानकारी शेयर करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसमें दोस्तों 2-3 क्वालिटी होती है, एक 18 गेज, एक 20 गेज और एक तुम्हारा 16 गेज। 16 गेज तो बहुत मुश्किल यूज होती है, वो बड़े बड़े फ्लैटों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में चलता है। और 18 गेज सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो 18 गेज और फिर 20 गेज है, ठीक है दोस्तों। मैं क्वालिटी इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको कोई मिस्टेक हो, कोई दिक्कत हो तो चेक कर सकते हो। 18 गेज का थोड़ा हेवी होगा और 20 गेज का थोड़ा नॉर्मल होगा, और जो हमारा 16 गेज का तो उससे ज़्यादा हेवी होता है। दोस्तों कॉस्ट की बात की जाए स्टील की रेलिंग लगवाने का, तो तुम स्टील की रेलिंग लगाओ। और तुम्हारा बजट नहीं है, या फिर बजट आउट हो रहा है, या फिर सोचते हो कि 1-2 दिन में, हफ्ते महीने में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लगवा सकते हो। लेकिन स्टील की रेलिंग में तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलता है इसमें दोस्तों। अगर तुम बाहर चाहो तो बाहर भी 200 लगा सकते हो, लेकिन उसकी सफाई रखनी पड़ती है। चाहो तो 300 भी लगा सकते हो, वो उसकी भी सफाई करनी पड़ती है। अगर तुम सिंपल रेलिंग लगवाओगे तो दोस्तों इसका जो रेलिंग का जो हमें बेनिफिट मिलता है, अक्सर कई भाइयों ने पूछा है कि भाई स्टील इतनी महंगी होती है, लोहे की रेलिंग सस्ती होती है। देखो लोहे की रेलिंग भी बहुत अच्छी है और स्टील की रेलिंग भी बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोहे की रेलिंग अलग होगी, स्टील की रेलिंग अलग होगी। स्टील की रेलिंग में तुम्हें कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। इसमें तुम्हें क्या मिलता है, देखो इसमें तुम्हें सफाई करनी पड़ती है, और अगर कारीगर काम अच्छा करके जाए तो तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी। और लोहे में तुम्हें पता है कि पेंट करवाना पड़ता है, स्टील में तो तुमने जैसे आज तुम्हारे यहाँ रेलिंग लग गई, सिंगल मंजिल हो, डबल हो, शीशे वाली, कोई सी भी रेलिंग हो, उसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आदमी अपनी साफ सफाई रखता है, नहाता है, ऐसी रेलिंग की रखनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम स्टील के लगवा लो या ना लगवाओ, अगर तुम्हारा बजट है तो। चलिए दोस्तों और आगे शेयर करते हैं जानकारी। ये हमारा छोटा सा एल, इस पर जब फिनिशिंग होगी और भी बेहतर लगेगा, इस पर हमारी बॉल आ जाएगी ऊपर। और यहाँ से सबसे मैटर बैठता है दोस्तों, सबसे बेहतरीन होती है इसकी फिनिशिंग यहाँ से और यहाँ से। फिनिशिंग तो अक्सर दोस्तों अच्छी देनी चाहिए, चाहे काम कैसे भी हो, फिनिशिंग से कारीगर की हमेशा पहचान होती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सेकंड वाली मंजिल, सेकंड मंजिल पर, और हमने ये वाले जो पोल है ना दोस्तों, ये सब उसी से ऐड कर रखे हैं चकोर करके। अभी इनका वेल्डिंग होना बाकी है और सीमेंट वगैरह लगाने। दोस्तों ये वाली लोकेशन हर जगह नहीं आती, बहुत कम मिलती है लोकेशन, क्योंकि इस लोकेशन में बेहतरीन अच्छा गेटअप आता है। दोस्तों मेरा मकसद ये है कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी जानकारी शेयर करूं और तुम मुझे सपोर्ट करते रहो, और मैं तुम्हें ऐसी ऐसी जानकारी शेयर करूं स्टील में कि अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई हो। दोस्तों ये सेम बिल्कुल लोकेशन अच्छी बैठी है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये ऐड किया गया क्योंकि उधर से पिलर है, अगर हम इसको स्टेप को निकाल देते तो बहुत ज़्यादा इसमें गैप हो जाता, ठीक है, बच्चे वगैरह का भी खतरा रहता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा वहाँ से लगभग 10-12 इंची जगह कम करी। उसके बाद तीनों को ऐड किया है और पोल को वहाँ ऐड कर दिया। ये दोस्तों इसका ऊपर से नज़ारा है, इसमें 4 पोल ऐड किए गए दोस्तों।